हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। इंडिया में वो गाड़ियां पसंद की जाती हैं जिनका इंजन जबरदस्त है, मतलब पावर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, भागती सबसे जबरदस्त है, नए नए अतरंगी फीचर्स लेकर आती है और दिखने में जबरदस्त तोड़ू है, ये पसंद की जाती है। जब खरीदने का टाइम आता है तो हम देखते हैं यार गाड़ी का प्राइस कम कौन सी का है, माइलेज कौन सी गाड़ी ज्यादा दे रही है, वहां पर फिर इंजन का कोई सीन नहीं रहता है, थोड़ा बहुत लुक भी अच्छा हो और अब हम सेफ्टी को भी आगे लेकर चल रहे हैं। तो इसी वजह से महिंद्रा XUV 3W पसंद तो बहुत की जाती है लेकिन बिकती इतनी ज्यादा नहीं है। अब महिंद्रा ने सोचा चलो इसका एक फेसलिफ्ट निकाल देते हैं जो अब इसी महीने 29 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगा। तो कुछ डिटेल्स हैं, देखते हैं आपको उसका वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पसंद वो की जाएगी साथ में बिकेगी भी या सिर्फ पसंद की जाएगी और सेल के मामले में फिर से वो पीछे रह जाएगी। अब देखिए इस गाड़ी का या किसी भी गाड़ी का जब भी फेसलिफ्ट आता है डिजाइन उसका चेंज किया जाता है, इस गाड़ी का भी डिजाइन चेंज किया गया है, टीजर आ गया है तो कनेक्टेड टेल लैंप्स वगैरह, LED हेडलैम्प वगैरह वो सब दिए गए हैं, फीचर्स भी इस गाड़ी में दिए जाएंगे। पहले इंजन से थोड़ी सी शुरुआत करें, पहले इसमें पेट्रोल के दो इंजन आते थे, अब इसमें शायद एक ही इंजन आएगा जो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन है जो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल पहले भी काफी था अपने सेगमेंट के हिसाब से, अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है तो पसंद ऑब्वियसली बात है की जाएगी यार, सबसे पावरफुल गाड़ी अपने सेगमेंट में, लेकिन उसकी वजह से माइलेज जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। टर्बो इंजन है तो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगी, पावर ज्यादा है तो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल भी दिखेगी, नेक्सोन वेन्यू ब्रेजा सोनेट सबको ये पीछे छोड़ देगी। और सेम केस डीजल के मामले में भी है, डीजल इंजन वही है जो अभी चल रहा है लेकिन वो भी अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, 300 न्यूटन मीटर्स के आसपास का वो टॉर्क दे देता है। अब पेट्रोल में जिसको ऑटोमेटिक लेनी है ना, यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज भी, और ये अच्छी चीज है, पहले AMT आता था ऑटोमेटिक में, अब टॉर्क कन्वर्टर दे दिया जाएगा। तो जिसको ऑटोमेटिक लेना है और AMT उसको पसंद नहीं है, XUV 3W की पावर चाहिए है, तो उसके लिए अब टॉर्क कन्वर्टर अवेलेबल है। नेक्सोन में AMT आता है जो हम स्टार्टिंग में देखते हैं, ब्रेजा में टॉर्क कन्वर्टर दे देती है एक्चुअली और बहुत ही बढ़िया होता है टॉर्क कन्वर्टर, तो वो एक अच्छी चीज है। जिसको XUV 3W के साथ बढ़िया ऑटोमेटिक चाहिए, पेट्रोल में एटलीस्ट टॉर्क कन्वर्टर आ जाएगा, डीजल में शायद ऑटोमेटिक ना आए, आए तो अभी पता नहीं कौन सा आएगा, वहां पर मैनुअल ही शायद चलेगा। तो वहां पर दिखने में गाड़ी काफी बढ़िया है लेकिन इतनी ज्यादा पावर होने के बाद क्या माइलेज बढ़िया रहेगी वो देखने वाली बात है। और जो इंजन अभी चल रहे हैं ना वो अपने सेगमेंट में इतनी अच्छी माइलेज नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा शायद निराशा आपको हाथ लगे अगर आप बढ़िया माइलेज की सोच रहे हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या रही थी XUV 3W को कम बिकने में, वो था इसका बूट स्पेस। अब कंपनी ने कहा इसका बूट स्पेस हम बढ़ा देंगे लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा दूसरा है, अंदर का जो स्पेस है जो व्हील बेस है वो कम नहीं किया जाएगा, मतलब जो अंदर स्पेस है पीछे वाली सीट आगे वाली सीट है वो सब उतना ही किया जाएगा। अब XUV 3W का जो हुड है ना आगे वो थोड़ा सा और गाड़ियों से थोड़ा सा लंबा है, जिसकी वजह से इनको अंदर स्पेस देने के साथ साथ पीछे बूट को थोड़ा छोटा करना पड़ा था, उसको बढ़ाने के लिए अब ये बूट को गहरा कर देंगे, तो उसमें लोडिंग और लिफ्टिंग और सामान निकालना या अंदर डालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से बोल रहे हैं कि हम स्पेस जो है वो बूट स्पेस में बढ़ा देंगे, सीट वगैरह आगे पीछे नहीं की जाएंगी, तो वो ठीक भी है थोड़ा अजीब भी है। बूट स्पेस जिनको जरूरत है उनको रेगुलरली जरूरत पड़ती है और गहरे से बूट स्पेस में से सामान निकाल कर लाएंगे वो भी थोड़ा सा करता है, तो थोड़ा सा इनको कुछ और डिजाइन पर या चेसी में कुछ और बदलाव करने चाहिए थे, वहां पर थोड़ी चीजें ज्यादा अच्छी हो सकती थी। फिर इसके जो फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड जो आजकल हर किसी के पास चल रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा आ जाएगा, टच स्क्रीन बड़ी आ जाएगी 10.25 इंच के आसपास, और एडिनोक्स के साथ आ जाएगी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, मतलब इस टाइम पर जो चल रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वो सब इसमें मिलेंगे। अपग्रेडेड सस्पेंशन जो है, फाइन ट्यून सस्पेंशन और भी अच्छा, पहले बहुत अच्छा था अब और भी अच्छा किया जाएगा, वो बहुत बढ़िया बात है। अब सेफ्टी के मामले में अब हम इंडियंस जो है सेफ्टी को काफी अच्छे सोचने लगे हैं, वहां पर XUV 3W बिल्कुल 10/10 थी, अब सेफ्टी और भी ज्यादा एनहांस की जाएगी, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग रहेंगे और टॉप वेरिएंट में हमें 7 एयरबैग में मिल सकते हैं, नी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, फिर कूल्ड फ्रंट सीट्स मिल जाएंगी, वेंटिलेटेड सीट्स जिनको बोल देते हैं, वेलकम फीचर है काफी अच्छी बात है, गर्मी इंडिया में बहुत ज्यादा पड़ती है तो जहां से ठंडी आ जाए जितनी आ जाए उतना बढ़िया, ये भी एक वेलकम फीचर है, और वायरलेस चार्जर वगैरह
वो मिल जाएंगे, पैनोरमिक सनरूफ मिलेगी। तो जिनको सनरूफ चाहिए, हालांकि मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे होने ना होने से क्या होता है, इंडिया को पसंद है तो है, तो पैनोरमिक सनरूफ मिलेगी, बढ़िया है। वॉइस असिस्टेड फीचर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, तो फीचर्स के मामले में गाड़ी बहुत बढ़िया है। लेकिन उसी को देखते हुए होगा क्या कि इसके प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब एडास को लेकर कहीं पर ये बात खबरें आ रही हैं कि एडास अभी नहीं आएगा, कहीं पर खबरें आ रही हैं कि कुछ लेवल्स तक आ सकता है, या कैमरा बेस आ जाएगा, रडार बेस नहीं आएगा, तो वो अभी नहीं पता है, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, जब लॉन्च होगी तब तो पता लग ही जाएगा। अब प्राइस जो है, देखिए मेन फैक्टर आ गया है, एक तो माइलेज कितनी देगी, वहां पर आपको निराशा हो सकती है, फिर प्राइस, पहले भी अपने सेगमेंट में प्राइसियर रही थी और अब भी कोई प्राइस कम होने वाले नहीं है। जो इंजन पहले बेस वेरिएंट में नहीं आते थे तब भी थोड़ी महंगी थी, तो अब थोड़ा और महंगे वाला इंजन बेस वेरिएंट से आएगा तो और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। तो अब भी मुझे लगता है कि महिंद्रा को थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, कहीं पर कटिंग करें, पैसे को थोड़ा कम लेकर आए। बेस वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है, काफी ज्यादा वो बिकते हैं, टॉप वेरिएंट तक जाते जाते गाड़ियां उतनी ज्यादा, किसी भी कंपनी की कोई भी वेरिएंट इतना ज्यादा नहीं बिकता है, तो वहां पर प्राइस स्टार्टिंग में थोड़ा कम रखें, शायद 9-9.5 लाख रुपए के आसपास से, या 9.99 से ये गाड़ी शुरू होगी और 15-16-17 लाख ऑन रोड तक जाएगी। तो सेंस मेरे को थोड़ी सी बनती हुई नहीं लग रही है। गाड़ी का नाम तो बदल दिया है XUV3XO, लेकिन लोग बोल रहे हैं जो ये एक्स लगाया है ना, एक्स मतलब यार इतने एक्स, डबल एक्स, 3X, 4X, तो 3XO, तो कह रहे हैं कि प्राइस भी 3XO हो जाएगा इसका, माइलेज भी ज्यादा हो जाएगी, परेशानियां ज्यादा हो जाएंगी, तो कुछ कहा जा रहा है। तो आप अपनी राय बताइए, होगा क्या, क्या महिंद्रा ठीक चल रही है, प्राइस कहाँ पर होना चाहिए वो आप बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस जो है वो इफेक्ट करता है। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।